सिवान पुलिस महकमे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां थाने के अंदर प्रशिक्षु दरोगा व उसकी प्रेमिका की शादी हुई। ये विवाह महाराजगंज थाना परिसर के मंदिर में संपन्न हुआ। बताया जाता है कि दोनों कई साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, वो शादी रचाना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। आखिरकार लड़की और लड़के ने महाराजगंज थाने में आकर मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है कि गया जिला के रहने वाले और सिवान जिले के जीबी नगर थाना में पदस्थापित एसआई राहुल भारती गया जिले के कोच थाने के शंकर बिगाह के रहने वाले जितेंद्र सिंह की बेटी तब्बू के साथ कई साल से रिलेशन में था। जब लड़की को पता चला कि उसके परिजन उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कराना चाहते हैं, तो इस बात की जानकारी मिलते ही लड़की गया से सिवान अपने प्रेमी के पास पहुंची व उसको सारी बात बताई। अंत में दोनों प्रेमी जोड़ों ने महाराजगंज थाना परिसर स्थित मंदिर में शादी कर ली। इधर एसआई के साथ तब्बू के विवाह रचाने की सूचना मिलते ही उसके परिजन जीबी नगर थाना पहुंचे व इस शादी का विरोध किया। परिजनों ने थानेदार और एसपी से शिकायत की। तब्बू के पिता ने कहा कि पुलिस ही जब लड़की को बहला फुसला कर शादी करने लगेगी तो किसी भी पिता का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। परिजन अपनी बेटी से मिलने की जिद पर अड़े हैं। क्या ये शादी आपकी इच्छा के अनुसार हुई है? नहीं, मेरा इच्छा है। आपकी इच्छा थी? कब से इनको जानती हैं आप? तीन साल से। खुश हैं इस शादी से? हाँ। और इस परिवार वालों को कोई आपत्ति इस पर नहीं ना है? नो। जी अपना नाम बता दीजिए। शादी हम दोनों पिछले ढाई साल से मतलब अफेयर में थे, ढाई तीन साल से, और शादी करने का ये तुक हो गया कि इनकी शादी कहीं और हो रही थी। और शादी ये हो रही थी ये कल मेरे पास, हम तो ऑन ड्यूटी सिवान में, और मंडल में मेरी ड्यूटी थी, ये अपने से वहाँ से गाड़ी करके सिवान चले आए। कल शाम में चले आए तो इनको रहने के लिए व्यवस्था करवा दिए। ये बोले कि हम अब शादी यहीं पर करेंगे, इनको अपने घर से किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि लड़की वाले पक्ष वाले मैंने मंजूर नहीं थे कि? हाँ, लड़की वाले पक्ष को मंजूर, लड़की वाले के पक्ष सभी को मालूम थे, बट उनको मंजूर नहीं था अंतर्जातीय को लेकर, और कोई इशू नहीं है। से आप खुश हैं, अपनी मर्जी से किए हैं या किसी दबाव में? कस को बोलो। और तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान दुकान फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, दो महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, एक महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले तीन सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था, फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली, तीन घंटे में पाए घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली।